चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो 2018 वाली वैकेंसी की फाइनल मेरिट में जो रह गए हैं बच्चे, जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही जिन बच्चों का रिजेक्शन लेटर आ गए थे या जिन फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे या जिन बच्चों की ज्वाइनिंग रिजेक्ट हो गई थी। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनकी जब ज्वाइनिंग लिस्ट आ रही है, चाहे वो SSB की हो या CRPF की हो या और कई भी डिपार्टमेंट की, जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं जिनके नहीं आ रहे बायोमेट्रिक मिसमैच होने के कारण, तो उन सभी के लिए अपडेट इस वीडियो में दूंगा। साथ ही बताऊंगा कि कब SSC GT की सेकंड लिस्ट आ रही है या कब इसकी वेटिंग लिस्ट आ रही है। दोस्तों तो काफी बिग अपडेट आप सभी के लिए, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसकी सेकंड लिस्ट आएगी। आएगी पक्का, लेकिन कब आएगी इसके बारे में आपको बता दूंगा, उतना ही समय लगेगा। इससे पहले भी आप सभी को पता है कि जितनी भी मैंने जानकारी दी या तो मैं देता नहीं, जैसे भी कोई भी बच्चे मेरे से पूछते हैं, कॉल करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है या SSB का हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया या किसी को और कुछ भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ मेरे को नहीं पता होती मैं नहीं बताता, उनको बोलता हूँ 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं पता करता हूँ किसी भी करके और जितना मैं कर सकता हूँ हमेशा उनके लिए करता हूँ। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी सेकेंड लिस्ट कब आएगी, कितनी पदों की आएगी और किन किन का सिलेक्शन होने के चांसेस है। साथ में जो भी बच्चे 2018 वाली वैकेंसी में रह गए हैं उनको ये भी बता दूं कि आपको दोस्तों हार नहीं माननी। मान लो अगर सेकेंड लिस्ट आएगी तो उसमें तो यही है, आप सभी को पता है कि 6000 के समथिंग पोस्ट खाली रही, ये तो है नहीं कि 20000 के आसपास वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, नहीं इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो इसलिए आपको तैयारी भी करनी है। और दोस्तों जो बच्चे अब तैयारी करने हैं 2021 वाले, या अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो अगर आप चैनल पर रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। उसके बाद जो मेरा दूसरा एक और नया मैंने चैनल ओपन किया आप सभी के लिए, जो जितने बच्चों को फिजिकल में या मेडिकल की जिनको टेंशन रहती है कि सर हमारा फिजिकल में या कोई प्रॉब्लम है या मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उस चैनल का नाम है कमांडो फिजिकल टिप्स। YouTube पे जाके सर्च मारिए कमांडो फिजिकल टिप्स चैनल, क्योंकि वो नया है इसलिए आपको अगर चैनल भी लिखना पड़ेगा तब वो चैनल आपको मिलेगा, तो आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर फिर मैं लगातार कंटिन्यू लाइव रहूंगा आप सबके साथ, डेली जुड़ता रहूंगा। तो जितने भी बच्चे जिनको मेडिकल या फिजिकल में प्रॉब्लम है वो सभी उस चैनल से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। और जो टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उस चैनल का भी, जो मेरे चैनल का भी और टेलीग्राम का भी। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जिन बच्चों के रिजेक्शन लेटर आए थे किसी भी कारण, बस उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे या बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण जिनके रिजेक्शन लेटर आए, या भी जिनकी ज्वाइनिंग रुक गई है बायोमेट्रिक मिसमैच होने के कारण, जिनके पास रिजेक्शन लेटर तो नहीं गए थे लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग रुक गई थी, दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि अभी आपकी फोरेंसिक जांच होगी। फोरेंसिक जांच का मतलब है कि आप सभी के फिंगरप्रिंट वापस फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से जांच होगी। इसकी प्रोसेस ये होगी कि आपको फिर से कॉल लेटर आएगा, आपको फिर से दिल्ली या कोई किसी न किसी सेंटर पर बुलाया जाएगा, आपको वापस सेंटर पर जाना है, अपने फिंगरप्रिंट्स वापस आपके मैच कराए जाएंगे, आपके सिग्नेचर भी मैच होंगे, साथ में आपके फिंगरप्रिंट्स भी मैच होंगे, वापस से आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उनकी फॉरेंसिक जांच होगी फिंगरप्रिंट्स की, जहाँ पे भी आपके थंब लगाए हुए हैं उन सभी की, तो उस थंब में जिन जिन बच्चों का क्लियर हो जाएगा उन सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वो सेकेंड लिस्ट जब आएगी, यानी इस पूरी प्रोसेस में समय लग जाएगा, 3 से 4 या 5 महीने तक का समय लग जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में जो सेकंड लिस्ट आएगी उसके साथ में इनका रिजल्ट आ जाएगा, यानी जिन जो जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको साथ में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग भी बाद में होगी। अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप सभी को बताया किसी की 1 महीने में किसी की 2 महीने में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जिन बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट, इन बच्चों नए जुड़ रहे हैं इनकी ट्रेनिंग फिर बाद में होगी, तो ये मान के चलिए जब इन बच्चों के फिंगरप्रिंट्स यानी वापस फॉरेंसिक जांच होगी उसके बाद में फिर से वापस SSC GT की सेकंड लिस्ट निकलेगी। क्यों? क्योंकि अभी इसलिए नहीं निकल सकते, इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं यानी हर एक डिपार्टमेंट में से 200 से 400 के बीच में या 500 कई डिपार्टमेंट में, ज्यादा नहीं तो 200 से 400 के बीच में बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है, तो कुल मिला के 7-8 डिपार्टमेंट है, इन सबके कुल मिला के 2000 से ज्यादा पोस्ट ऐसे है जिनकी रोक दी गई है दोस्तों। तो इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो फेल भी हो जाएंगे बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण, तो उनको बाहर भी कर दिया जाएगा, तो उनके लिए भी सेकंड लिस्ट जो बच्चे नए रहेंगे अवेलेबल उनमें से लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सेकंड लिस्ट आएगी जरूर, उसमें समय लगेगा 6 से 7-8 महीने, 5-4 से 5 महीने जरूर लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है,
क्योंकि इनके वापस फोरेंसिक जांच होगी। फोरेंसिक जांच के अभी कोलेटर अगले महीने से हो सकते हैं कि शुरू अगले महीने या उससे अगले महीने में, एक महीने का समय और लग सकता है, फिर इनकी जांच शुरू हो जाएगी। क्योंकि सभी डिपार्टमेंट के ज्वाइनिंग होने के बाद में फिर ये वापस ये प्रक्रिया चलेगी इनके बायोमेट्रिक मैच होने की। तो जब इनके जितने बच्चों को रिजेक्शन लेटर गए थे, रिजेक्ट फॉर्म के गए थे, वो भी जरूर ध्यान दें इस बात पर कि आपको कोलेटर आ सकता है, जब आए तो वापस जाके अपने फिंगरप्रिंट या डॉक्यूमेंट्स में जो भी मिस्टेक रही है उनको वापस सही करने का शायद आपको मौका मिल जाए। लेकिन बायोमेट्रिक वालों को तो 100% फोरेंसिक जांच होगी, और जो बच्चे सही है इनमें वास्तविक जो है उनकी पूरी जांच में वो सही निकलेंगे तो उनको तो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन जो गलत रहेंगे उनको निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह नए बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो जो सेकंड लिस्ट के बारे में काफी है, वेटिंग लिस्ट के बारे में जो बच्चे बोल रहे हैं सर वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो हो सकता है दोस्तों कि जब सेकंड लिस्ट 7-8 महीने बाद आए तो उसके साथ में वेटिंग लिस्ट भी, यानी जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर रहे इनकी कुछ पोस्ट ओपन भी रह जाएगी यानी खाली रह जाएगी, तो उसकी वजह से आपकी वो लिस्ट कमाई बन के आ जाएगी। क्योंकि इन बच्चों की जो मेरिट फिर से तो बनेगी नहीं, जो बच्चे बायोमेट्रिक स्टेज में रहेंगे इनकी मेरिट फिर से नहीं बनेगी, क्योंकि इनमें से जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको ज्वाइन दे जाएगी, जो फेल हो जाएंगे फोरेंसिक जांच में तो उनकी जगह जो वैकेंसी में नए बच्चे हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जरूर बनेगी और उनको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी, क्योंकि पोस्ट अब इनमें से खाली नहीं रहेगी। और सेकेंड लिस्ट की बात अगर आप सभी बोलो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इंतजार करो, भले ही आप इंतजार कर सकते हो लेकिन तैयारी नहीं छोड़ना, उसके भरोसे नहीं रहना कि मैं 0.25 से 0.5 से 0.10 से लेता हूँ। आप ऐसे